हाय जेनिफर यू वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल यस आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लॉन्ग स्कर्ट्स के ऊपर वैसे तो मैं आपको एक, एक एपिसोड लॉन्ग स्कर्ट्स का दिखा चुकी हूँ लेकिन आपकी भारी डिमांड पे मैं वापस लेकर आई हूँ लॉन्ग स्कर्ट्स विद डिफरेंट वराइटीज एंड डिफरेंट फैशन एंड डिफरेंट कलर्स ओके तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने स्कर्ट नंबर वन पे यस yes, आप इसको थोड़ा सा दूर से देखिए कितना खूबसूरत है यस yes, ये मैंने ग्रैप किया था इटली से और आपको तो पता है इटालियन लोग अपने ड्रेस के ऊपर कितने ज्यादा पॉपुलर है उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है द वे दैरी दम सर इट्स वेरी नाइस और ये वाला स्कर्ट मैंने वहां से कैरी किया था जस्ट यू ट्रैवल क्योंकि मुझे ट्रैवल बहुत फ्रीली करना था बहुत फ्रीली मुझे वॉक करना था इसलिए मैंने ये ड्रेस लिया था और मैं आपको डेफिनेटली अपने पिक्चर्स में खाऊंगी ये सारी चीजें और इसका जो है ये बहुत ही फ्लेरी काइंड ऑफ स्कर्ट है ये ब्लैक कलर में है लेकिन इसका जो इन्होंने वर्क दिया हुआ है आप इसका वर्क देखिए बहुत ही अच्छा कलरफुल वर्क दिया हुआ है इसको मैंने पैरव किया था लॉन्ग बूट्स के साथ और ये जब वो बूट्स के साथ ये गिर रहा था ये जो ब्लैक हीरो तरीके का जो इसका जो वर्क है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और को चलने में बहुत मजा आ रहा था अगेन इसका जो वेस्ट लाइन है वो इलास्टिक में ताकि आपका जो भी बॉडी टाइप है स्मॉल मीडियम या लार्ज आप उसमें फिटिंग हो सकते हो और डेफिनेटली तो दोस्तों मैं जानबूझ के जो है यू नो इलास्टिक का ज़्यादातर स्कर्ट्स के लेती हूँ या ज़्यादातर मटेरियल्स uh, लेती हूँ ताकि मैं इसको लॉन्ग रन में भी यूज कर सकूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो ताकि अगर इफ तक क्लॉथ इज गुड एंड इफ इट फील्स वेरी नाइस तो अगर आपने इलास्टिक लिया हुआ है जो भी आपका मटेरियल है तो ऑब्वियसली आप उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हो अपनी लाइफ में ताकि आपकी कोई भी बॉडी शेप की हो जाओ आप इसको डेफिनेटली कैरी अप कर सकते हो ओके okay, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हम सब का ब्यूटिफुल फौजी कलर में यस yes, ये प्लेन स्कर्ट है फौजी कलर में और आपको लग रहा होगा ये बड़ा ही प्लेन है नहीं 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 आपको पता है यूरोपियन में यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी लड़कियां जो है इस टाइप ऑफ प्लेन स्कर्ट्स कैरी करती हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको आप वाइट शर्ट के ऊपर या व्हाइट टी शर्ट के ऊपर आप जो पैरप करते हो बहुत ही अच्छा दिखता है इट डिपेंड्स हाउ यू कैन कैरी जरूरी नहीं है हर हर बार आप प्रिंट्स ही कैरी करो आपका प्लेन आपके स्कर्ट्स वार्डरोब में होने चाहिए यार बट इसका जो एक ट्विस्ट फैक्ट्री है यू you नो know, ये है ये इसके बॉटम पे इसका ट्विस्ट है ये पूरा का पूरा प्लेन नहीं है इन्होंने जो है बॉटम पे एक यू you नो know, वेलवेट सा इसको बॉटम दिया हुआ है और उसके ऊपर ये टेंसिल्स दिए हुए हैं बहुत प्यारे चमकीले चमकीले मतलब अगर आप इसको बूट्स के ऊपर पहनते हो या हाई हील्स पे पहनते हो तो ये जब उसके ऊपर फ्लो काइंड ऑफ गिरता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और देखिए बहुत ही इसका मजा आता है चलने में तो इस तरीके का आपके पास एक प्लेन यू नो प्लेन विद बिट ऑफ अच्छा सा बॉटम हो उसका तो आप उसके आपके वॉर्ड्रोम में जरूर होनी चाहिए जो इसका जो वेस्ट लाइन है आप देखिए इलास्टिक में ताकि एनी बॉडी टाइप यू कैन ऑलवेज वेयर इट एनी टाइम एनी वेयर यू नो तो नेक्स्ट जो है हमारा ये यस yes, ये आप देखिए कितने प्यारे हैं आप इसको जेब्रा स्ट्रिप्स कह सकते हो या यू नो यू कैन कैरी ऑन आप इसको लाइनिंग कह सकते हो जो इस तरीके के है इसमें आप जो इसका कलर कॉम्बिनेशन दिया वो बहुत ही खूबसूरत सा है ये डार्क ब्लूइश या ब्लैक में कह सकते हो ये रेड और वाइट में इनको जो है लाइनिंग्स दी हुई है और ये एक तरीके की लाइनिंग्स दी यहाँ देखिए आप साइड में इसकी लाइनिंग बहुत ही अलग है देन इस साइड जब आप आते हो तो इसकी लाइनिंग बहुत ही इस जेबराज टाइप की है और इस टाइप में जब आते हो अगेन इसकी लाइनिंग्स का जो है जो डायरेक्शन वो चेंज जो आता है बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के ऊपर ये कॉटन मटेरियल में नहीं है ये थोड़ा सिंथेटिक मटेरियल में है बट इसमें इतनी गर्मी नहीं होती बिकॉज ये थिन सा मटीरियल है और दूसरी है ये आप देखिए यहाँ पर अगेन इन्होंने वेस्ट पे इलास्टिक लाइनिंग दी हुई है जो मतलब आप यू नो यू कैन वेयर एनी बॉडी टाइप और जो इसका मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका जो यू नो फोकल पॉइंट है वो इसका स्लिट है ये देखिए इसका स्लिट ये छोटा सा स्लिट है जो आपके बूट्स के ऊपर अगर गिरेगा या आपके जो हाई हील्स के ऊपर गिरेगा या आपने अगर ब्लॉक हील्स पहनी हुई है तो भी गिरेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे और इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंड और ये एक फॉर्मल वेयर में भी आप पहन सकते हो अगर आपने वाइट शर्ट पहनी हुई है अगर आपको ऑफिस आप में पहना है क्योंकि इसका जो कट है वो ए लाइन भी कह सकते हो पूरा ए लाइन नहीं है बट डेफिनेट नीचे से इन्होंने वी कट भी दिया हुआ है थोड़ा सा So, ये थोड़ा सा ये मिक्स एंड मैच टाइप ऑफ स्कर्ट है बट आप इसको कैजुअली uh, भी और फॉर्मल भी पहन सकते हो या आपके ऊपर आप इसको किस तरह से कैरी करते हो ओके okay, जो मेरा बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट है वो है यस अब इस स्कर्ट को हम कहते हैं सेरॉन स्कर्ट यस आप देख रहे होंगे कि हम इसको क्यों कहते हैं सैरॉन्स स्कर्ट ये जो स्कर्ट है आपने यहाँ देखा होगा जो इन्होंने हम जिस तरीके से सैरॉन्स पहनते हैं जब हम बीच पे जाते हैं और हम उसको किस तरीके से लपेट लेते हैं ये उस तरीके से स्टक किया हुआ है यहाँ से इन्होंने एक प्यारा सा वर्क किया हुआ है आप देखोगे और उसमें इन्होंने बटन सी लगाई हुई कलरफुल सी और फिर थोड़ा सा यू नो शाइनी टाइप वो दिया हुआ है लेकिन इसका जो इन्होंने ग्रिप पकड़ा हुआ है इस तरीके से ये सैरॉन्स टाइप और इसका जो मटेरियल है वाह यू सी दिस मटेरियल स डेफिनेटली आई एक्सपेक्टेड अप फ्रॉम वैंको और कैनेडा यस जब मैं वैंको गई थी तो मैंने इसको पहना था और मैंने इसको कैरी ऑन किया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आप इसको लॉन्ग बूट्स के ऊपर भी पेयरअप कर सकते हो और इसका मटीरियल बहुत ही फ्लोई है बहुत ही सिल्क स्मूथ टाइप है येस इज अ सिल्की मटेरियल यू कैन से और इसके जो यू you नो know, आप इसके प्रिंट्स देखिए कितने बड़े बड़े कितने खूबसूरत से मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ये देखिए और ये बहुत ही शाइनी काइंड ऑफ तो ये है पार्टी स्कर्ट्स भी पहन सकते हो आप इसको पार्टी में भी पहन सकते हो और यू नो लॉन्ग बूट्स पे भी पहन सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट टी शर्ट्स के ऊपर भी इसको पहन सकते हो अगर आपको सेम टाइप का अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता जैसे आपको प्लेन में नहीं पहनना है ऊपर भी आपको जैजी पहनना है तो भी एक, एक पूरा फुल ड्रेस टाइप भी आप पहन सकते हो यू you नो know? और इसकी एक और चीज है अगर आप इसको स्कर्ट की तरह ना पहनकर अगर आपने ऊपर से इसको ऐसे पहन लिया मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम यर देन ऑल्सो इट विल गो टू योर नी एंड इट विल लुक लाइक अ ड्रेस दिस इज टू इन वन सो यू कैन वेयर टू इन वन आप ऊपर से पहन सकते हो नीचे आप कर दोगे तो स्कर्ट हो जाएगा तो यू नो यूज योर इमेजिनेशन क्रिएशन एंड मेक योर वन ड्रेस इन टू टू और थ्री टाइप्स सो टेक माई टिप्स एंड ट्रिक्स बेबीज ओके तो नेक्स्ट ड्रेस जो है हमारा या स्कर्ट सॉरी तो नेक्स्ट कर्ड जो हमारा है ये बहुत ही अगेन ये लो डाउन स्कर्ट है और ये है रेड कलर में या आप कह सकते हैं मरून कलर में कैमरा में थोड़ा सा मरूनिश लग रहा होगा ये ओके okay, इसमें जो इन्होंने पैच पैचवर्कस यूज किया है इसमें दो तरीके के इन्होंने कलर्स यूज़ किए एक यूज़ किया इन्होंने मरून डार्क मरून कलर का एक इन्होंने यूज़ किया रेड कलर का इवन द फैब्रिक्स आर डिफरेंट यू नो जो इन्होंने डार्क मरून किया है वो देखिए थोड़े मोटे कॉटन फैब्रिक में किया है और जो इन्होंने रेडिश में किया है ये थोड़ा सिल्की मटीरियल में किया है जब आप इसको पहनते हो बिलीव मी इसका जो लुक इतना अलग आता है क्योंकि ये देखिए अब आप अभी आपको लग रहा दिख रहा होगा लाइट में कितना अलग सा ये और जब पहनते हो ना ये देखिए डार्क रेड मरून डार्क रेड मरून इस तरीके से आपका ये लुक आता है क्योंकि द मटेरियल्स दे हैव यूज सो डिफरेंटली अगेन इसका जो वेस्ट लाइन है इलास्टिक है सो so आप इसको एनी बॉडी टाइप पे पहन सकते हो और ये आगे पीछे से सेम टाइप का है ये देखिए पैच वर्क एंड इट्स नाइस और एक इनका एक चीज देखिए आप यहाँ पर इन्होंने बटन लगाया हुआ है ताकि अगर आपको बटन से टाइट और यू नो लूज करना पहन सकते हो एक साइड से इन्होंने बहुत ही फ्लेरी काइंड ऑफ मतलब तो कपड़ा छोड़ा हुआ है काफी छोड़ा हुआ है ये देखिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है ये और एक साइड से इन्होंने यू you नो know, थोड़ा कम छोड़ा हुआ है और बीच से इन्होंने ऊपर किया हुआ यू नो इट्स लाइक अ लो हाई वेस्ट और नीचे इस टाइप ऑफ फ्लोइंग काइंड ऑफ इन्होंने ये स्कर्ट दिया हुआ है तो इस तरीके से आप ये स्कर्ट्स पहनिए इंजॉय कीजिए और मेरा जो लास्ट स्कर्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ लॉन्ग लास्ट स्कर्ट ये यस yes, फ्रेंड्स पहले आप इसको देख लीजिए आराम से ये है एनिमल प्रिंट में यस दोस्तों ये एनिमल कपड़े से यूज नहीं हुआ है और आई डोंट ऑब्वियसली यूज एनिमल मटेरियल ज्यादा मैं लेदर ज्यादा यूज नहीं करती हूँ बट डेफिनेटली ये है प्रिंट प्रिंट एनिमल प्रिंट दिया हुआ है आप देखिए और ये बहुत ही फ्लेरी स्कर्ट है आप देखिए और इसका जो कलर है वो इतना प्यारा है जब आप वॉक करते हो ना तो ये इसका ब्लैक और ये ब्राउनिश काइंड ऑफ जो इनका जो प्रिंट है वो इस तरीके से यू नो यू नो मिक्स हो जाता है और इट लुक्स वेरी नाइस और ये देखिए आप इसका जो प्रिंट है पास से देखिए <laughs> तो अगेन इसका जो है अपर पार्ट जो है ये इलास्टिक दिया हुआ है जो आपका वेस्ट लाइन पे एनी बॉडी टाइप यू कैन टेक इट एंड अगेन आगे से पीछे से सेम टाइप सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल स्कर्ट और ये मैंने ग्रैप किया था स्विट्जरलैंड से यस yes, ये मैंने स्विस से लिया था एंड डेफिनेटली स्विस लोग ऐसे इस टाइप ऑफ कपड़े बहुत पहनते हैं इसके नीचे वो लोग डेफिनेटली स्कैक्स वगैरह पहनते हैं भी वहाँ बहुत थाना ठंड होती है स्नोफॉल होता है तो एनी वेज दिस इज जेनिफर यूर साइनिंग ऑफ एंड आई एल गेट यू मोर ऑफ दिस वेराइटीज एंड आई होप यू एंजॉयड माई कलेक्शन इस तरीके से आप इंजॉय कीजिए पहनिए और एंटरटेन रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन बेबी ओके सी यू सुन